आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मंकी पॉक्स बंदर मामा पहन पैजामा। तो आपको बता दूं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC, ये WHO ने घोषित कर दिया है, यानी कि फाइनली मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कि अभी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने यह बोला था कि बहुत लोग मर सकते हैं। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, उसका मैं रीजन बताता हूं, क्योंकि मोर्टैलिटी रेट बहुत कम है, 10 में से एक इंसान को जान का खतरा होता है। ठीक है, तो मोर्टैलिटी रेट आप देख ही सकते हैं बहुत ही कम है, 10% के आसपास है, बट स्टिल है, लोगों की जान को खतरा है। यह वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने पहले ही बता दिया था और उन्होंने WHO से बोला था कि भैया सो रहे हो क्या, कब इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे। WHO नींद से जाग गया है। टेड्रोस अधानोम जो कि WHO के चीफ हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा था कि कोविड इन्हीं की वजह से तो फैला हुआ है, इथियोपिया से आते हैं ये, इथियोपिया में चाइना का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, चाइना के वुहान से वायरस आया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लेट किया और इन्होंने इस वायरस का नाम वुहान वायरस नहीं बल्कि कोविड रखा। तो इनके ऊपर ये आरोप है कि चाइना को बहुत जबरदस्त फेवर किया है, लेकिन वो तो चलिए हो गया। फिलहाल इस बार WHO ने गलती नहीं की है, क्योंकि लगभग 72 देशों से 14,500 के करीब केसेस आए हैं। कोरोना के 2020 में लगभग 7,500 के करीब केसेस आए थे, तो ये केसेस ज्यादा हैं। सिर्फ मई में 47 देशों में 3,000 के करीब केसेस आए, 3,020। थर्सडे को इनकी जो कमिटी है जो डिसाइड करती है कौन सी बीमारी ग्लोबल हो गई है, पैंडेमिक हो गई है, इमरजेंसी मेजर्स लेने हैं, 7 घंटे तक मीटिंग चली, कंसेंसस एग्री नहीं कर पाया कि इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है नहीं करना, लेकिन फाइनली टेड्रोस अधानोम ने बोला सारे पैरामीटर्स को ये मीट कर रही है, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। भारत में भी, केरल में तीनों आदमी है, केरल में भी तीन केसेस मिले हैं। बड़ी बात यह है कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सब ऑर्थोपॉक्स होते हैं। ठीक है, वेरियोला जोस्टर से चिकन पॉक्स होता है, तो वो समझिए कि ये जो वायरस है ना, ये लगभग ये स्मॉल पॉक्स की तरह है, ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, बुखार आएगा, 6 से 21 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, दर्द होगा बहुत ज्यादा बॉडी में। अब देखिए, इसके लिए ना कोई दवाई नहीं है, जैसे चिकन पॉक्स के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं आई है, वैसे भी इसके लिए कोई दवाई नहीं, अपने आप ही ठीक होता है ना। हालांकि यहां पे ये बोला गया है कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो जो है 85% तक इफेक्टिव है इसको ट्रीट करने में। ओके, लेकिन फिलहाल अभी भारत में तो उसके केसेस नहीं मिले हैं, मतलब भारत में ऐसे बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं मिले, लेकिन याद रखिए कोविड में भी जब 2020 में मार्च में केरल में ही पहला केस आया था, उसके बाद बहुत तेजी से फैला, हमने तुरंत इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी, उसके बावजूद ये नहीं रुका। तो मंकी पॉक्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंकी पॉक्स है तो थोड़ा खतरनाक। कोविड-19 में जहां पे आपको सर्दी बुखार होगा, मंकी पॉक्स में वाकई में प्रॉब्लम होती है। तो अभी देशों को ये बोला है कि भैया गाइडलाइंस को फॉलो करें, लोगों को अवेयर करें, और अब भारत सरकार को भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि भारत में केसेस मिले हैं, है ना। नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या जो उनका होता है ना कि वो टीवी पे आते हैं और सबको बताते हैं, तो बताएं, ये वो देश को संबोधित करें और बताएं कि मंकी पॉक्स जो है उससे आपको बचने की जरूरत है, या सरकार अपने हिसाब से कोशिश करे। ओके, अब इसमें भी देशों को 3 कैटेगरी में रखा गया है कि अगर मान लीजिए 21 दिन के अंदर कोई केस नहीं आता है, पहली कैटेगरी हो गई, और अगर 0 केस आपके रिपोर्ट हो रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी हो गई, तो ऐसे 3 कैटेगरी है। कहने का मतलब ये है कि किसमें केसेस ज्यादा आ रहे हैं, किसमें केसेस कम आ रहे हैं, डेथ्स कोई खास नहीं हुई अभी तक, लोगों को मंकी पॉक्स हो रहा है वो ठीक हो जा रहा है। आपको पता है 1958 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मंकी पॉक्स, मैंने लेक्चर्स लिए, वहां से ही आया है। अब वही है कि जानवरों में ही सारे वायरस हैं, लेकिन इंसान और जानवर आजकल इतने क्लोज आ गए हैं कि ये वायरस जो है वो जंप कर रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, और मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। थोड़ा क्या सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन होती है ना, तो उसको फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। प्रॉब्लम यह है ना कि इंक्यूबेशन पीरियड, भैया देखो आपको वायरस ने कैच किया, सिम्टम्स आपको 5 से 6 दिन बाद आएंगे, तो उतने में आप कितनों को वायरस फैला दोगे, कितने लोगों से आप मिलोगे,
ये दिक्कत होती है, और ये कोविड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और ये आपका मंकी पॉक्स हो गया, ये इसी कैटेगरी में आता है, इसी श्रेणी में आता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पे एहतियात बरता जाए। ये लेक्चर था। आपको बता दो कि हमने अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें 5 लाइव सेशंस होंगे बहुत ही सस्ते में। अब आपको वक्त अब आपके हाथ में होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा नॉन एकेडमिक कोर्स है, तो बहुत ही सस्ते में निकाला है, आप इसको अवेल कर सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके। बाकी अगर आप कंबाइंड लेना चाहें, क्योंकि पर्सनैलिटी ग्रोथ का तो मैंने बनाया ही हुआ है, तो अगर आप कंबाइंड लेना चाहते हैं पर्सनैलिटी ग्रोथ और मोटिवेशन दोनों, आप ले सकते हैं। मतलब पर्सनैलिटी ग्रोथ और टाइम मैनेजमेंट दोनों आप ले सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।